चलिए अब तेज रफ्तार के बाद खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड का हल्द्वानी एक बार फिर से सुलग उठा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्या की गई, मदरसा और नमाज स्थल को तोड़ने गई टीम पर ही हमला हो गया। देखते ही देखते फायरिंग, आगजनी और पथराव होने लगा। घटना में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बुलाई गई है। इलाके में फिलहाल कर्फ्यू के हालात हैं और साथ ही इंटरनेट सेवाएं बंद करने की तैयारी की जा रही है। हल्द्वानी का माहौल खराब कौन कर रहा है और ये किसकी कोशिश है, देखिए विस्तार से पूरी जानकारी के लिए हमारी खास रिपोर्ट। अतिक्रमण हटाया तो बवाल हो गया। अवैध मदरसा गिराया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। सिर्फ उपद्रवी ही नहीं, पुलिस के खिलाफ बुजुर्गों और महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया। पहले हाथापाई की और इसके बाद जमकर पत्थरबाजी की। अतिक्रमण विरोधी अभियान को एक कौम के खिलाफ साजिश करार दिया और फिर नारेबाजी शुरू हो गई। और जब पुलिस ने एक्शन लिया तो आगजनी की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बवाल और आगजनी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की है, जहां नगर निगम का अमला अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। इस दौरान नगर आयुक्त, सिटी मैजिस्ट्रेट, एसडीएम और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। बनभूलपुरा के मालिक का बगीचा इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा और नमाज स्थल था। प्रशासन के मुताबिक मदरसा और नमाज स्थल पूरी तरह अवैध है। ऐसे में 3 एकड़ जमीन को कब्जे में पहले ही लिया जा चुका था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि निर्माण अवैध जमीन पर नहीं हुआ है, मदरसा और नमाज स्थल सरकारी जमीन पर नहीं बना है। ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, ऐसे में पुलिस और प्रशासन को हंगामे की आशंका पहले से ही थी और इसीलिए तैयारियां भी पूरी की गई थी। जेसीबी के पहुंचने से पहले मदरसे को खाली करवाया गया था। मदरसे तक पहुंचने वाली गलियों को बैरिकेड लगाकर सील किया गया। यहां तक महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई थी, लेकिन पुलिस की ये तैयारी नाकाफी साबित हुई। जैसे ही जेसीबी ने अवैध मदरसे की दीवार को गिराना शुरू किया, स्थानीय लोग गलियों से निकलकर मदरसे तक पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते पुलिस की टीम से भिड़ गए। अतिक्रमण में काफी रूप से घायल हो गए, बहुत बड़ी ईंट लगी है मेरी यहाँ, ये पूरा सूज गया है, घूम चोट लगी है, पाँव में, पीठ में लगी है, कमर में लगी है, काफी चोटें लगी मुझे भी, पाँव छिल गया मेरा, तो मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ। भगवान जी की कृपा से बच के आ गया हूँ, बच गया हूँ। इस दौरान पुलिस लोगों को समझाती रही। जो लोग ज्यादा बवाल कर रहे थे, भीड़ को भड़का रहे थे, उन्हें हिरासत में भी लिया गया। इन लोगों को पुलिस एक्शन का डर था, इसीलिए शुरू में महिलाओं को आगे रखा। महिलाओं से निपटने के लिए जब महिला पुलिस की टीम आगे आई तो महिलाओं ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस वालों और नगर निगम की टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसकी जद में कवरेज कर रहे पत्रकार भी आ गए। पत्थरबाजी होते ही वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान गलियों में की गई बैरिकेडिंग को नारेबाजी कर रही भीड़ ने तोड़ दिया और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस वालों को समझ ही नहीं आया कि जब उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी थी तो इतनी भीड़ अचानक आई कहां से। सड़कों पर युवकों की भीड़ थी तो छतों पर महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा था और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हो रही थी। हालात बेकाबू होता देख पुलिस एक्शन में आई, भीड़ को पीछे हटाया गया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। उपद्रवियों के हमले में कई पुलिस वाले भी घायल हुए, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। घायल पुलिस वालों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
वहाँ तोड़ने के लिए जैसे पहुँचे तो चारों तरफ से वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे हम जब स्टार्टिंग में, तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से फोड़ हमने रोक रख के आगे तक पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, जहाँ पे तोड़ना था। तो वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था, चारों तरफ से हमें घेर लिया वहाँ। टारगेट कौन था? टारगेट हम ही लोग थे, हम ही लोगों को पत्थर मारे गए। और क्या कहते हैं, जब वो जो मस्जिद जो तोड़ा जा रहा था, जो मेन पॉइंट था वो तोड़, हम जैसे हम तोड़ा हमने उसको तोड़ने लगे तो लास्ट ही हो गया था, लगभग अंधेरा होने वाला था। तो हम जब निकल लेते थे, फिर निकलते समय ज़्यादा हुई तो सब लोग इसे सब पीछे पीछे आ गए हमारे। लेकिन इन सब के बावजूद भी बवाल कम नहीं हुआ। बनभूलपुरा में शुरू हुआ ये बवाल कई इलाकों में फैलता गया और शाम होते होते लोगों ने कई इलाकों में आगजनी शुरू कर दी। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एक पुलिस की वैन को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। हल्द्वानी का एक इलाका जल रहा था, जहां कानून का डर खत्म हो गया था। अस्पताल में पुलिस वाले घायल पड़े थे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार एक्टिव थी। सबसे पहले बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगाया गया, उपद्रवियों की धरपकड़ के आदेश दिए गए और पल पल की रिपोर्ट देहरादून में सीएम ऑफिस तक पहुँचाई जाने लगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी बनभूलपुरा के लोगों को पहले ही हो गई थी, इसीलिए पुलिस के पहुंचने से पहले ही हजारों लोगों की भीड़ यहां पहले से जमा थी। यहां तक कि पत्थरबाजी के लिए छतों पर भी पहले से ही तैयारी कर ली गई थी, जो कि तस्वीरें देखकर साफ हो रहा है। पुलिस ने अब इन्हीं वीडियोस के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने अवैध हथियारों से फायरिंग भी की। उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस के गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे DIG कुमाऊँ हैं वो भी मौके पर पहुँचे, और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है, और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा MHA से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई, और चार कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल MHA द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। हल्द्वानी की स्थिति को देख मैं बहुत चिंतित, बहुत दुखी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का, आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियाँ वहाँ पैदा हुई हैं। मैं इस समय इस पर नहीं जाना चाहूँगा कि कौन दोषी है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए। हल्द्वानी सुलग रहा है और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक दिन पहले ही उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पास किया गया और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां UCC बिल पास हुआ है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मुहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड में सभी को समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन कुछ भड़काऊ और नफरती मौलाना UCC के लागू होने पर सवाल उठा रहे थे, इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे थे। तो क्या हल्द्वानी में जो बवाल हुआ है और समान नागरिक संहिता, क्या आपस में इसका कोई कनेक्शन है? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हल्द्वानी सुलग रहा हो। बनभूलपुरा में ही हजारों लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा भी कर रखा है। ऐसे में 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इन लोगों को हटाने का आदेश दिया, तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, जमकर उग्र प्रदर्शन हुआ।
प्रशासन को इस एक्शन के लिए दोषी करार दिया गया और जब पुलिस ने एक्शन लिया तो इसे भी मजहब के नाम पर लिया जा रहा एक्शन करार दिया गया, क्योंकि रेलवे की जिस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था उनमें से ज्यादातर लोग मुस्लिम बाहुल्य थे। हालांकि हल्द्वानी में हुए इस बवाल के बाद सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है। हल्द्वानी में हुए इस बवाल के बाद कर्फ्यू तो लगा ही दिया गया है, वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है और सख्त आदेश है कि जो भी दंगाई हल्द्वानी का माहौल खराब करने की कोशिश करे उसके लिए शूट इट साइट का ऑर्डर है। हल्द्वानी से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ऐसा लगता है यूपी का रिजल्ट आउट हो गया है। अखिलेश देखते रह गए, परिवारवाद में फंसे रह गए, लेकिन राम भक्त यूपी की 80 में से 80 सीटें ले गए। यूपी के 80% जनता ने योगी को 80 सीटों की गारंटी दे दी है। जाटलैंड में छोटे चौधरी भी अखिलेश के सारे सियासी अरमानों पर पानी फेरने वाले हैं। वहीं सूत्रों की माने तो यह खबर भी पक्की है कि जयंत अखिलेश की साइकिल से उतरकर अब बीजेपी का कमल थामने को तैयार है। ऐसे में यूपी का सियासी गणित कैसे बदल रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, पूरी डिटेल के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति का संपूर्ण विश्लेषण करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं, वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। मैं नहीं मानती कि जयंत चौधरी जी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति। राम भक्त ले चला 80 की 80 सीटें। अखिलेश के सामने परिवार की सीट बचाने का संकट। जयंत के जाने की खबर से इतना हड़कंप क्यों? राम लहर में रमता दिख रहा उत्तर प्रदेश, जिसमें ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बनते बिगड़ते सियासी समीकरणों के बीच राज्य का सियासी पारा ऐसे ही सवालों से चढ़ा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब तक 35 लाख लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी समेत पूरा देश लाइन लगाकर खड़ा है, हर तरफ राम नाम की गूंज है। अब तो यूपी के विधायकों के लिए भी 11 फरवरी को अयोध्या दर्शन की व्यवस्था कर दी गई है। बस में बैठिए और कीजिए राम लला के दर्शन, वो भी परिवार के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी दलीय नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम सब लोगों को अयोध्या ले चला जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने इस बात की व्यवस्था करी है। उसके लिए माननीय शिवपाल जी यादव, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अध्यक्ष जी ले जाएंगे तो हम सब लोग चलेंगे। आपका भी अखबार में छपा था और आपने भी स्टेटमेंट दिया था। 11 फरवरी को हम सब लोग, सारे माननीय सदस्यगण विधायक के आमंत्रित हैं अयोध्या धाम चलने के लिए। अब देखना होगा लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बस में कितने समाजवादी विधायक सवार होते हैं। इसी को लेकर अखिलेश परेशान है, किसे रोकें और किसे बस में बिठाएं। इससे पहले प्रभु राम को लेकर समाजवादी पार्टी की जग हंसाई हो चुकी है। विधानसभा में सरकार की तरफ से राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव आया। समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों को छोड़कर बाकी सब ने इसका समर्थन किया। इस तरह एक ही मुद्दे पर समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो गई। मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव के विधायक बीजेपी के विधायकों संग अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि अगर एसपी के विधायक बीजेपी के साथ गए तो पूरा क्रेडिट बीजेपी को मिलेगा। दूसरी बात ये कि अगर बीजेपी के निमंत्रण पर अयोध्या जाएंगे तो चुनाव में वोट कैसे पाएंगे। MY की पॉलिटिक्स में अखिलेश इस कदर फंसे हुए हैं कि राम को इग्नोर भी नहीं कर सकते और खुलेआम स्वीकार भी नहीं कर सकते, इसीलिए बाद में जाने की बात कह रहे हैं।
जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। एक तरफ राम नाम की आंधी है तो दूसरी तरफ उनके साथी जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की खबरें जोर पकड़ रही। सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है, बस ऐलान होना बाकी। क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? कि जीत का ये गठबंधन है, अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, जीत ही गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। तो क्या यूपी में अखिलेश अकेले रह जाएंगे? जयंत जाएंगे तो अखिलेश कितनी सीटें जीत पाएंगे? पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड में आरएलडी की बेहद मजबूत पकड़ है, कई सीटों पर पार्टी के समर्थक जीत और हार के बीच का अंतर तय कर देते हैं। ऐसे में जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की खबर इस इलाके में इंडिया अलायंस के सफाए की गारंटी है, या फिर यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में टिकना नामुमकिन सा हो जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही जयंत के पाला बदलने की खबरें आई, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने इसे निराधार बताकर सिरे से खारिज कर दिया। जयंत चौधरी एनडीए में आ रहे हैं, मैम इस पर कोई रिएक्शन? मेरा मानना है कि आरएलडी पार्टी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बहुत मजबूत करी है पार्लियामेंट में, संसद के अंदर भी और बाहर भी। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। क्यों जयंत के बीजेपी में जाने की खबर से अखिलेश तनाव में हैं? क्यों समाजवादी पार्टी खबरों को सिरे से नकारने में जुटी? अगर जयंत बीजेपी के साथ गए तो अखिलेश का क्या होगा? ये सब आपको बताएंगे, पश्चिमी यूपी का पूरा सियासी गुणा भाग दिखाएंगे, एक एक सीट का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विधानसभा में अखिलेश के सहयोगी रहे जयंत क्यों लोकसभा चुनाव में साइकिल की सवारी नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी ने वैसे तो आरएलडी को बीजेपी से ज्यादा सीटों का ऑफर दिया, अखिलेश 7 सीटें दे रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक जयंत और बीजेपी के साथ 2+1 के फॉर्मूले पर बात बन सकती है, यानी लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट पर डील हो सकती है। लेकिन इसके पीछे का गणित जो सियासी पंडित समझ रहे हैं, वो ही जयंत भी समझ रहे हैं, इसीलिए वो अब अखिलेश की साइकिल से उतरना चाहते हैं। दरअसल जाटलैंड में राम नाम की ऐसी लहर है जिसके आगे टिकना विरोधी खेमे के लिए बड़ा चैलेंज है। ऐसे में 7 सीटों पर जयंत के लिए जीत का खूंटा गाड़ना बेहद मुश्किल टास्क होगा, लेकिन अगर जयंत राम के साथ चले तो 4 सीटों पर जीत की गारंटी 7 सीटों से ज्यादा है। जाहिर है हर कोई जीतने के लिए ही लड़ता है, ये जयंत भी अच्छी तरह जानते हैं।